मूवी की शुरुआत में हमें 19वीं शताब्दी का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम यांग नाम के एक योद्धा को देखते हैं, जो कि सैड फ्लूड नाम के काबिले के लिए लड़ता है और उसकी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य होता है कि वो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है, जिसके लिए उसे दुश्मन काबिले के मास्टर को मारना होगा क्योंकि इस वक्त वही दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग अकेले ही दुश्मन काबिले के योद्धाओं को धूल चटा रहा होता है और तभी उसका सामना उस काबिले के मास्टर से होता है, जिसे यांग बड़ी ही आसानी से एक वार में ही मार डालता है, जिसके मरते ही अब यांग दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन जाता है और साथ ही उसने दुश्मन काबिले के हर एक आदमी को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी यांग की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो कि उसी दुश्मन काबिले की होती है, जिसे पहले तो यांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मासूम और छोटी बच्ची को वो चाहकर भी नहीं मार पाता। पर यांग को पता होता है कि उसके काबिले यानी कि सैड फ्लूट के लोग इस बच्ची को मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है, जिसके बाद उस बच्ची पर उसके काबिले से कई बार अलग अलग तरह से हमले होते हैं और इस वजह से यांग को अपने ही लोगों को मारना पड़ता है। और इसके साथ वो ये भी समझ गया था कि अगर वो यहाँ रहा तो सैड फ्लूट के लोग इस बच्ची को मारने की कोशिश जरूर करेंगे, खास करके इस काबिले का मास्टर, जिसे सब सैडेस फ्लूट के नाम से जानते हैं, और उसी ने यांग को भी युद्ध कला और तलवारबाजी सिखाई है। इसलिए यांग उस जगह को छोड़कर अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में अपनी किसी पुराने दोस्त के पास जाने का फैसला करता है, जिसके बाद हम यांग को लॉर्ड के शहर में देखते हैं, जहां पर पहुंचते ही यांग देखता है कि यहां के आधे से ज्यादा घर टूटे हुए हैं और यहां लोग भी बहुत कम रहते हैं, जिसके बाद यहां पर सबसे पहले यांग की मुलाकात एक रॉन नाम के आदमी से होती है, जो कि हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है, और फिर वहां पर उसे एक बौना मिलता है जिसका नाम एट बॉल होता है, जो कि यांग को देखकर उससे सवाल करता है कि वो किसे खोज रहा है। इस पर यांग एट बॉल को अपने दोस्त की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखते ही एट बॉल तुरंत पहचान जाता है, और अब हमें इसके जरिए पता चलता है कि यांग के दोस्त का नाम स्माइली है, जो कि 3 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन अभी भी स्माइली की एक लॉन्ड्री चलती है, इसलिए एट बॉल यांग को उस लॉन्ड्री तक पहुंचा कर चला जाता है, जहां यांग एक लीन नाम की लड़की से मिलता है, जिससे मिलते ही यांग बताता है कि वो स्माइली का पुराना दोस्त है, जिस पर लीन कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी तरह इस लॉन्ड्री को संभालना चाहिए, जिस पर यांग कहता है कि उसे लॉन्ड्री का काम नहीं आता। इस पर फिर लीन कहती है कि वो उसे सब कुछ सिखा देगी, जिसके बाद लीन यांग से बच्ची के माता पिता के बारे में पूछती है। इस पर यांग कहता है कि वो अब नहीं रहे, जिस बात को सुनकर लीन थोड़ा दुखी हो जाती है और फिर वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यांग उस लॉन्ड्री में बैठा होता है और तभी कुछ लड़की आकर यांग को अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं और फिर वो सब यांग का मजाक भी उड़ाने लगते हैं, पर यांग उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। फिर तभी उन लड़कों को ऐसा करता देख वहाँ पर एट बॉल आकर सभी को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो यांग को अपने साथ खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद हम रात के समय यांग को लिन के घर के बाहर देखते हैं, जिसके साथ अप्रैल भी होती है। दरअसल उस वक्त लिन ग्रामोफोन पर कोई संगीत सुन रही थी, क्योंकि यांग ने आज से पहले ऐसे कोई संगीत नहीं सुना होता, इसलिए वो संगीत को सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अप्रैल के आवाज करने की वजह से लिन दरवाजा खोल देती है और जब वो यांग को देखती है तो वो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, जहां पर यांग ग्रामोफोन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे यांग इस जगह के हिसाब से खुद को ढालने में कामयाब हो जाता है, जहां पर वो अब सभी से मिलजुल कर रहता है, साथ ही सभी लोग अप्रैल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ यांग दिन रात मेहनत करता है, जिससे उसने यहाँ पर एक फूलों का बगीचा भी बना लिया होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यांग को समझ आ चुका था कि चीजों को बनाने में जो मजा है वो उन्हें तबाह और बर्बाद करने में नहीं है। इसके बाद अब एक दिन यांग लीन को कब्र पर
पर फूल रखते हुए देखता है। इसलिए फिर वो 8 ball से लीन के बारे में पूछता है कि वो किसकी कब्र पर फूल रख रही है और उसके मन की उदासी का कारण क्या है। इस पर 8 ball यांग को बताती है कि जब लीन सिर्फ 16 साल की थी तब यहाँ पर अक्सर एक आदमी अपनी बड़ी सी सेना के साथ इस शहर में आकर लोगों को परेशान करने के साथ साथ लूटपाट वगैरह भी करता था, जिसे सब कर्नलर के नाम से जानते थे। और कर्नलर की एक बहुत ही अजीब आदत भी थी कि वो उन्हीं लड़कियों का बलात्कार करता था जिसके दांत साफ होते थे। और उस दिन कर्नल ने अपने लिए लीन को चुना था और उसके माता पिता और एक छोटे भाई को जो कि अभी बच्चा ही था, जिन्हें कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। और जब लीन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तो लीन वहां देखती है कि पास ही में तेल में कुछ पक रहा है, इसलिए वो मौका देखकर उस तेल को कर्नल के चेहरे पर फेंक देती है और फिर वहां से भाग निकलती है, जिससे कर्नल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लीन को पीछे से गोली मार देता है जिससे लीन वहीं गिर जाती है। जिसके बाद कर्नल लीन के माता पिता समेत उसके छोटे भाई को भी जान से मारकर चला जाता है। इसके बाद बाकी लोग जब इन सभी की लाश को दफनाने गए तो उन्होंने देखा कि लीन की सांस अभी भी चल रही थी, जिसके बाद लीन धीरे धीरे ठीक हो गई। पर इस हादसे का उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और उसने ठान लिया कि अब वो कर्नलर को अपने हाथों से मारेगी। अब ये सब जानने के बाद यांग देखता है कि लीन निशाना लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा होता। इस पर यांग जाकर उसे ठीक से निशाना कैसे लगाया जाता है ये बताता है और फिर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसके सामने खुद खड़ा होकर निशाना लगाने को कहता है। और जब लीन बिल्कुल ऐसा ही करती है तो वो देखती है कि उसका हर निशाना सही लग रहा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि वो जिस चीज को कई दिनों से करने में नाकाम हो रही थी वो यांग ने उसे एक ही पल में सिखा दिया। और इससे वो ये भी समझ जाती है कि यांग कोई आम आदमी नहीं है, जिसके बाद वो यांग से उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि इसके पहले स्माइली उसको ये सब सिखाता था और उसने लिन को सैट फ्रूट काबिली के बारे में भी बताया था, जिसकी ये बात सुनकर यांग उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए राजी हो जाता है। आगे लीन के पूछने पर यांग बताता है कि वो सैट फ्लूड का योद्धा सिर्फ इसलिए बना ताकि वो दुनिया का सबसे कुशल योद्धा बन पाए, क्योंकि जब वो छोटा था और एक दिन अपने माता पिता के साथ काम कर रहा था तो उस वक्त एक आदमी ने यांग के पिता की गर्दन सिर्फ अपनी तलवार की धार जांचने के लिए धड़ से अलग कर दी, इसलिए यांग उसी दिन से खुद एक कुशल योद्धा बनने की राह पर चल पड़ा। जिसके बाद अगले दिन यांग लीन को अपनी तलवार दिखाता है जो कि उसकी मायान के साथ पूरी तरह से सील की हुई होती है। अब लीन उससे इसके पीछे की वजह पूछती है, जिस पर यांग उसे एप्पल के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगर उसने इस तलवार को बाहर निकाला तो सैट फ्रूट काबिले को ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस तलवार को निकाल इसमें से उन सब आत्माओं के रोने की आवाज आती है जिन्हें यांग ने इससे मारा है। और उसी आवाज को सुनकर उसके मास्टर और काबिले के बाकी लोग अप्रैल को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद यांग लिन को तलवारबाजी करना सिखाना शुरू करता है और फिर शहर के लोग क्रिसमस मनाते हैं और खुशी खुशी नाचते गाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वहाँ पर काफी दिनों बाद कर्नल अपने लोगों के साथ फिर से आ जाता है और वो आते ही वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू करता है। तब वहाँ पर रॉन आता है जो कि नशे में कर्नल का मजाक उड़ाता है, जिस बात से कर्नल गुस्से में रॉन को अपने लोगों से कुछ दूर तक घोड़े बांधकर घसीटवाता है। और तभी हम लिन को देखते हैं जो कि सही मौके की तलाश में ये सब देख रही होती है ताकि वो कर्नल को मार सके, पर वहाँ पर 8 ball और बाकी लोग आकर लिन को बांध देते हैं और उससे शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि इसी में उन सबकी भलाई। हालांकि लिन उनके जाते ही अपने पास एक चाकू निकालकर खुद को छुड़ा लेती है। वहीं इधर दूसरी तरफ कर्नल लाइन से सभी लड़कियों को खड़ा करके उनके दांत देख रहा होता है, जिसमें से वो एक औरत को चुनता है जो कि शादीशुदा होती है, इसलिए कर्नल उसके पिता सहित उसको मार देता है। और फिर कर्नल की नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है जिन्हें कर्नल अपने आदमियों से ठीक से तैयार करके उसके पास लाने के लिए कहता है।
है, पर उन दोनों की जगह लिन कर्नल के पास तैयार होकर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कर्नल ने उसे काफी पहले देखा था तो वो लिन को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन कर्नल लिन को पहचान जाता है। वहीं इधर एट बॉल और बाकी सब लिन को ढूंढते हुए लॉन्ड्री में आते हैं, जहाँ पर यांग होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि लिन जरूर अपना बदला लेने के लिए कर्नल को मारने के लिए गई है, इसलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी तलवार निकाल कर लिन को बचाने जाती है। इधर तलवार के निकलते ही सैडिस क्लूड को यांग का पता चल जाता है और वो तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन को कर्नल के आदमी बांध देते हैं, पर वहां पर सही वक्त पर यांग आकर कर्नल के साथियों को एक ही झटके में मार डालता है, लेकिन जब वो कर्नल को मारने ही बढ़ता है तो लिन उसे रोक देती है और कहती है कि इसे मैं मारूंगी, पर यहाँ कर्नल मौका देखकर लिन को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, पर जब वो घोड़े से भागने लगता है तो लिन उसे पीछे से चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन यहाँ पर जब ये लोग देखते हैं तो लिन ने जिसको मारा था वो कर्नल नहीं था, मतलब कि कर्नल इन सभी को चकमा देकर बड़ी ही चालाकी से यहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद वहाँ यांग आता है जो कि कहता है कि मेरी तलवार बाहर निकलने की वजह से सैड फ्लूट के लोग किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इस पर रेड बॉल यांग को रोकते हुए कहता है कि कर्नल यहाँ से बचकर भाग गया है और वो अपनी पूरी फौज लेकर वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें उससे लड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है, और रही बात अप्रैल की तो हम अपनी आखिरी सांस तक उसको बचाएंगे। इस पर फिर एक आदमी एट बॉल से सवाल करता है कि हम कर्नल की फौज से लड़ेंगे कैसे, तो एट बॉल रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उनके पास इतने हथियार है कि वो सोच भी नहीं सकते। दरअसल रॉन को उसकी बीवी ने मरने से पहले ये कसम दी होती है कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, पर अब उसे ना चाहते हुए भी वो कसम तोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद हम देखते कि रॉन ने कितने सारे हथियार जमीन के अंदर गाड़े होते हैं और फिर उनसे ये सभी लोग अभ्यास करते हैं। इधर लिन यांग से कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद अगर वो कहीं जाए तो वो उसे भी साथ ले जाए, जिसके बाद यांग उसको दो छोटी तलवार देता है और कहता है कि पहले तुम कर्नल से अपने माता पिता का बदला लो। अब अगले दिन हम देखते कि कर्नल काफी सारे लोगों को लेकर शहर की तरफ आ रहा होता है, जिसके सामने हम यांग को उसकी तलवार लिए हुए खड़ा देखते हैं, और साथ ही रॉन भी एक ऊंचे टॉवर पर कर्नल की सेना की तरफ निशाना लगाते हुए बैठा होता है, जिनके पास आते ही रॉन एक डायनामाइट को गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग इस धूल और धुएं का फायदा उठाकर कर्नल के बहुत सारे लोगों को मार डालता है, पर तभी कर्नल की नजर रॉन पर पड़ती है, इसलिए वो अपने लोगों को ऊपर रॉन के पास जाकर उसे रोकने के लिए कहता है, पर जब कर्नल के लोग रॉन तक पहुंचते हैं तो वहां से एक रस्सी के सहारे तुरंत उतर कर उस जगह को उड़ा देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच सैड फ्लूट काबिले के लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही यांग लिन से अप्रैल को लेकर भागने के लिए कहता है और लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद यांग अपने ही काबिले के लोगों से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, जिसे उसका मास्टर भी देख रहा होता है, जिसके बाद लिन और यांग एक घर में छिपने के लिए घुस जाते हैं, पर वहां सैड फ्लूट के लोग आ जाते हैं, इसलिए लिन अप्रैल को एट बॉल को देकर उसे सुरक्षित कहीं छिपाने के लिए कह देती है, और फिर हम लिन और यांग को एक साथ सभी को मारते हुए देखते हैं, जिसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एट बॉल घायल हालत में मिलता है, जो कि उनसे बताता है कि अप्रैल को कर्नल के आदमी उससे छीन कर ले गए हैं, और इतना कहने के बाद वो बेचारा वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब हमें कर्नल दिखाया जाता है जो कि अपने साथ अप्रैल को लेकर एक घर में घुस जाता है और अपने आदमियों को कमरे के बाहर तैनात कर देता है और उन्हें आदेश देता है कि वो जिसको भी देखे उसे गोलियों से भून डाले, और फिर वहां सैड फ्लूट के लोग आते हैं जिन्हें कर्नल के लोग मशीन गन से भून डालते हैं, जिनके मरने के बाद वहां पर यांग आता है जो कि कर्नल के आदमियों की गोलियों से बचते हुए उन्हें मार डालता है, और फिर वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है जहां पर कर्नल ने अप्रैल की तरफ गन पॉइंट की होती है, लेकिन यांग उससे बड़ी ही आसानी से अप्रैल को छुड़ा लेता है और फिर वो लिन को कर्नल को मारने का मौका देता है, जिसके बाद हम लिन और कर्नल के बीच की लड़ाई को देखते हैं, जहां पर लिन पहले तो कर्नल का पैर काट कर
उसे गिरा देती है और फिर वो उसको जान से मार डालती है। अब इसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो यैंग को सामने सैडेस फ्लूट खड़ा मिलता है जो कि यैंग से अप्रैल को मारने के लिए कहता है। और फिर हम यैंग को उसके मास्टर से लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर दोनों के बीच बहुत ही जोरदार तलवारबाजी होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यैंग अपने मास्टर को मार डालता है। लेकिन वो मरने से पहले यैंग से कहता है कि तुम इस बच्ची के साथ जहाँ भी रहोगे सैड फ्लूट के लोग उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे और वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद यैंग लिंग के पास आता है जो कि अप्रैल को लेकर खड़ी होती है। अब यहाँ यैंग लिंग को अप्रैल का ख्याल रखने को कहता है और खुद उससे दूर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इनके साथ रहा तो अप्रैल और लिंग की जान को हमेशा खतरा बना रहेगा, और वहीं वो अगर अपनी तलवार के साथ कहीं दूर रहेगा तो अप्रैल सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सैड फ्लूट के लोग अप्रैल के पीछे नहीं बल्कि उस तलवार के कारण यैंग के पीछे आएंगे। और इस तरह से यैंग अप्रैल से दूर रहकर भी उसकी रक्षा करेगा, जिसके बाद हम यैंग को वहां से जाते हुए देखते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में यैंग हमें एक बर्फीली जगह पर दिखाया जाता है जहां पर उस पर सैड फ्लूट के लोग हमला करते हैं और यैंग उनसे अपनी तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।